हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ हरियाणा। हरियाणा में मेरी सिस्टर रहती है, उनका बर्थडे है, तो हम जाके उनको सरप्राइज देने वाले हैं रात को 12 बजे पूरे। एक ना बहुत ही मॉडल है, ये देखो, वन पीस डाल के मैडम जी बना रही है, कुकिंग मतलब कुकिंग कर रही है। यहाँ पे क्या बना रही भाई? तो मुँह की छुपा रही हूँ, मुँह की छुपा रही हूँ। अच्छा, मेकअप नहीं कर रखा, देखो जी भाई, वाह जी वाह। तो फिलहाल मैं नहा लेता हूँ अभी, और नहाने के बाद रेडी होके फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ डिसाइड करते हैं कौन से कपड़े, ये ब्लैक वाले तो कल पहनेंगे, कल एक शादी है वहाँ पे जाना है। फिलहाल मैं पहन लेता हूँ एक पैंट शर्ट, पैंट कहाँ गई, कोई अच्छी सी पैंट मिल जाए कोई। फिलहाल तो मैं कपड़ों की ये वाली शर्ट डाल लेता हूँ, ठीक है, और इसके साथ जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र कहाँ गया, ये वाला ट्राउजर डालेंगे इसके साथ। तो ये पैंट और ये वाली शर्ट डालते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी एकदम फर्स्ट क्लास स्टेज पे, और निक्की ये भी डिसाइड कर रही है उसे क्या पहनना है। हमारे पास 1.5 घंटा पड़ा है, और 1.5 घंटे में उसको तैयार होने के लिए, 1.5 घंटे में तैयार हो जाए। बाकी अभी फिलहाल देखता हूँ क्या कर रही हो, फिलहाल तो अभी गायब है शायद वॉशरूम में। तो भाई फिलहाल प्लानिंग में अभी थोड़ी चेंजिंग सिस्टर आई है, उसको टैटू बनवाना था, तो हम थोड़ा और लेट निकलेंगे, लेकिन 12 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सिस्टर का बर्थडे है, वही मनाएंगे। फिलहाल छोटी सिस्टर आई है, वो उसने बनवाना है टैटू। ये फॉर्च्यूनर लवर है, तो ये अपने हाथ पे बना रही है टैटू यहाँ पे, बाद में पता चलेगा। हाँ, उसके लिए ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया ने टैटू के लिए, ये क्या मतलब समझ में नहीं आई, ये किस लिए कर रहा है? ऐसे रखना पड़ेगा हाथ यहाँ पे, तो यहाँ पे बनने जा रहा है टैटू। और भैया हो गया रेडी, इनका सामान भी रेडी हो चुका हुआ है, अभी फिलहाल क्या लगाएंगे देखते हैं। मैं भी लास्ट टाइम इनसे टैटू बनवा के गया था, लेकिन वो टैटू मैंने अभी तक किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं बोला टैटू दिखाना नहीं चाहता, जिसके लिए बना रहे सिर्फ उसी के लिए। Feel the wind, rush of blue, hear the music, take the groove. Don't you know, all I'll ever really wanna be is a connected high. You and I, pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine, you don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5, I just wanna feel alive. Take it slow, let it go, roll down all the windows. So, flower, Sara's man ready ho chuka hai, so... फिलहाल भाई आ चुके हैं टैटू बनाने के लिए, और कितना दर्द होगा वो तो ये नहीं पता है, क्योंकि फिलहाल इनका टैटू बनने वाला है, तो दर्द होगा, मुंह बंद कर लेना बिल्कुल चुपचाप, पता नहीं चलेगा आपको दर्द कैसे हो रहा है, सांस बंद कर लेना 2 मिनट के लिए। लड़की है बहादुर, जो हमारी छोटी बहन है, और हमारी तरह बिल्कुल बहादुर है, वो वाला बहादुर नहीं जो जो क्या बोलते हैं खड़े होते हैं, वैसे बहादुर है जी, शाम जी वाला बहादुर नहीं है। तो फिलहाल इसको दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से बना रहे भैया। तो भाई टैटू बन चुका हुआ है, और हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, घर से फिर निक्की को पिक करना है, और निक्की मैं भाई हम लोग सब निकल जाएंगे फिलहाल बुलाने के लिए, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस कमेंट में बताना आज निक्की कैसी लग रही है, आज इसने पहना है ब्लैक कलर का सूट, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, आप भी कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है। तो गाइस ये जो सस्पेंस था, अब हम आपको दिखा रहे हैं क्या लिखवाया है। फिलहाल तो पहले आपने थोड़ा सा देख ही लिया था, लेकिन ये है क्लियर वाला, ये है, हाथ ऐसे करो ना, टेढ़ा करो, हाँ अब आया क्लियर। निक्की बोले निक्की आप लिखवाओगे, ये देखो अपने आप पे लिखवाओगे ऐसे, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ हुआ था मैन, कुछ भी नहीं हुआ था। तो गाइस ये हमारी दीदी का बर्थडे था, इनको हम सरप्राइज देने आए हैं दिल्ली से भिवानी, तो दीदी को हैप्पी बर्थडे विश करना, और कमेंट में जरूर करना सारे के सारे। तो ये छोटी सी सिस्टर है जिसका टैटू बनवाया था, निक्की सामने बैठी है, और भाभी से भी आज मैं पहली बार मिला, बहुत टाइम बाद पहली बार मिला, सॉरी है ना, तो ये बच्चे है दोनों। तो गाइस यहाँ पे केक आ चुका हुआ है, और दीदी तैयार है केक काटने के लिए, अभी बर्थडे मनाने के लिए। अभी कैंडल कहाँ है, कैंडल सारे लग रहे चले गए इतनी दूर दूर, बर्थडे का तो सारे दूर हो गए भाई। कैंडल कहाँ है, कैंडल मुझे बताओ किसका बर्थडे है, मम्मी का? मुझे बोलो किसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलेगा?
हैप्पी बर्थडे आगे आगे आओ ना सारे इतनी दूर दूर हो भाई एक सदस्य और आ गया मुझे थोड़ा घबरा गया तो गाइस बर्थडे हो चुका है हमारा तो दीदी का बर्थडे अपने मना लिया और हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए और सुबह मुझे जाना है काशी तो यहाँ से निकलना ठीक रहेगा तो फिलहाल हम लोग मिलते हैं तो हम जा रहे हैं दीदी ओके बाय बाय भाई घर अच्छे दीदी भाई ठीक है मिलते हैं फिर अगली बार मिलेंगे ठीक है बिल्कुल 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 तो गाइस बाहर ना इस टाइम आंधी चल रही है और मुझे लग रहा है दिल्ली NCR में बहुत जबरदस्त बरसात होने वाली है लेकिन अंधेरा बहुत मतलब अंधेरी हो रही बात है ना तूफान चल रहा है इस टाइम और शीशे खोलेंगे तो पूरा भर 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 अंदर सारी धूल मिट्टी सब अंदर आ जाएगी भाई आंधी आ गई भाई आंधी आ गई तो गाइस रात को हम लोग हरियाणा से वापस आ चुके थे तो आके मैं 2 घंटे सोया हूँ अभी सुबह के बज गए हैं 7 और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से काशी के लिए काशी मेरे दोस्त है उसके घर में कुछ थोड़ा सा फंक्शन है तो मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था सोचा उसके साथ भी जाके एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से काशी के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रात को 4 बजे वापस आया था तो अब मैं फिलहाल देव को लिया और लेके हम दोनों निकल चुके हैं आगे के लिए तो ये मेरा फ्रेंड है देव हाय तो हम लोग निकल गए हम दोनों ने अपने लिए एक बर्गर लिया है और ये भी खाते हुए और आगे बढ़ेंगे जहाँ हमने जाना है जगह का नाम तो देव को पता है मुझे नहीं पता फिलहाल बस यही रास्ता बताता जा रहा हूँ मैं चलता जा रहा हूँ और मुझे हो गया 24 घंटे सोया नहीं हूँ मैं अभी तक।